कुमार जिंदाबाद, कुमार जिंदाबाद, दर्शन करेंगे। भैया विकास जिंदाबाद। बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जैसे ही 15 दिनों से कार्यक्रम फिक्स होना शुरू हुआ, पदाधिकारियों का दिन रात काम करना शुरू हुआ। हम आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझूरिया पंचायत के होरलपट्टी गांव में कार्यक्रम फिक्स हुआ। मुख्यमंत्री ने हायाघाट प्रखंड अंतर्गत मझूरिया पंचायत के ग्राम होरलपट्टी में विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र होरलपट्टी, जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत सौंदर्यीकृत गंगा सागर सरोवर, जीविका समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय होरलपट्टी सहित अन्य विकास योजनाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में भी लोगों से मुख्यमंत्री ने जानकारी लिया। सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत आदर्श जीविका ग्राम संगठन होरलपट्टी के 201 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने सांकेतिक चेक प्रदान किया। भ्रमण के दौरान जगह जगह स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, नेताओं ने, ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र, पग एवं फूलों की माला भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित रंगोली बनाकर मुख्यमंत्री के प्रति समाधान यात्रा हेतु आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, देख सकते हैं यहाँ पर, गंगा सागर तालाब को देखने जा रहे हैं। गंगा सागर तालाब को देखकर उन्होंने काफी तारीफ किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ बचे जगहों पर घाट भी बनवाना है। बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने पदाधिकारियों से किया। इस दौरान यहाँ पर मंत्री संजय झा, जल संसाधन मंत्री ललित यादव, साथ ही बहुत सारे ऐसे नेता थे। स्थानीय विधायक रामचंद्र प्रसाद भी मौजूद थे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ममता देवी है, मझूरिया पंचायत की मुखिया है, उन्होंने उनका स्वागत सम्मान पाग चादर के साथ किया है। साथ ही यहाँ के जो प्रमुख हैं सीता देवी, उन्होंने पाग चादर के साथ सम्मान किया। उप प्रमुख जो है पूजा देवी, उन्होंने भी पाग चादर और फूल देकर उनका स्वागत किया। इस तरह से लगातार जो है यहाँ के लोगों ने स्वागत सम्मान भी किया। हजारों की संख्या में सुबह के 10 बजे के करीब से लोग उनका इंतजार करते रहे और मुख्यमंत्री लगभग 2 बजे के करीब यहाँ पर पहुंच गए थे। 2:45 बजे के करीब यहाँ पर उनका आगमन हो गया था। और गंगा सागर तालाब के ऊपर ही जो जानेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण से ही उन्होंने महादेव का दूर से दर्शन किया और पूजा पाठ किया। बता दें कि जो 15 दिनों से जो यहां पर जो पदाधिकारी लगे हुए थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी रागनी शाहू की बात करें, अंचलाधिकारी अंकुर राय की बात करें, बीपीआरओ अमित कुमार की बात करें, या फिर जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं, या फिर जो प्रखंड के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो पदाधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं, या फिर कृषि विभाग के जो पदाधिकारी हैं, सभी विभाग के, खासकर मनरेगा के जो पदाधिकारी हैं, जिस ज्यादा से ज्यादा जो काम हुआ है वो मनरेगा से ही यहां पर हुआ है। तो दिन रात एक कर उन मनरेगा मजदूरों को अगर याद करें तो उन मनरेगा मजदूरों को भी धन्यवाद कि उन्होंने लगातार दिन रात काम करके मुख्यमंत्री को एक सजा हुआ गंगा सागर तालाब दिखा दिया। आसपास में चारों तरफ सड़क का निर्माण करा दिया गया सभी जगहों पर। खासकर सबसे बड़ा जो यहां पर तोहफा मिला है वो जीविका भवन का मिला हो, या फिर यहां पर जो गंगा सागर तालाब को ऐसा बना दिया गया है कि दरभंगा से लोग यहां पर अपने परिवार के साथ आए, बैठे, उठे। साथ ही अलग अलग गांव से भी लोग यहां पर छुट्टी के दिनों में अपने परिवार के साथ यहां पर आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, बैठेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। साथ ही अगर स्थानीय थाना की बात करें तो शिव कुमार यादव जो लगातार यहां पर दिन रात काम कर रहे थे, क्योंकि उनके जिला के, उनके राज्य के मुखिया आने वाले थे। साथ ही डीएसपी सदर अमित कुमार की बात करें, बिरौल डीएसपी मणिचंद्र चौधरी की बात करें, या फिर सिटी एसपी सागर झा की बात करें, दिन रात वो लोग निरीक्षण करते रहे। डीडीसी अमृषा बैंस की बात करें, लगातार वो यहां पर 15 दिनों से आ रही थी, कैंप कर रही थी। डीएम राजीव रोशन तो लगातार पूरे जिला में कैंप कर रहे थे। तो इस तरह से अगर सभी लोगों की बात करें तो दिन रात ये सभी काम कर रहे थे। विशेष कवरेज देख आप रहे हैं। और खासकर बेनीपुर विधायक विनय चौधरी की बात अगर करें तो वो लगातार प्रत्येक दिन यहां पर निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि कितना तैयारी हुआ, कैसे हमारे मुख्यमंत्री का यहां स्वागत किया जाएगा। देख सकते हैं इस बीच सामने जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां पर सदर डीएसपी अमित कुमार जायजा ले रहे हैं, उनके साथ सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर एसडीएम जो है स्पर्श गुप्ता वो यहां पर मौजूद है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर सभी लोगों तक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यहां मझूलिया पंचायत की मुखिया जो है ममता देवी,
उनके लिए सौभाग्य की बात हुई कि उनके रहते हुए मुख्यमंत्री होरनपट्टी गांव में आए, उनके पंचायत में आए। वो बड़ी बात होती है अगर मुख्यमंत्री अगर किसी गांव में पहुंचे और वहां पर वो विकास के काम का जायजा ले। देख सकते हैं यहां पर सभी, यहां पर स्वच्छता कर्मी को भी भारी संख्या में लगाया गया था। मुख्यमंत्री के सुरक्षा के लिए अगर बात करें तो बार बार कहीं ना कहीं धक्का मुक्की भी हो रही थी। लोग उनके पास जाना चाह रहे थे लेकिन लोगों को बार बार हटाया जा रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग जो मायूस होकर यहां से घर चले गए, उनका यह कहना था कि हम आए हैं मुख्यमंत्री को देखने के लिए, हम आए हैं मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, एक नजर देखने के लिए। लोग न मुख्यमंत्री को देख पा रहे थे न लोग उनके पास जा रहे थे, तो यह बड़ा समस्या एक देखने के लिए मिला। समाधान यात्रा के ऊपर लोगों ने कुछ सवाल भी उठाया कि समाधान यात्रा है क्या, किसी का समाधान हुआ ही नहीं तो समाधान यात्रा है क्या। देख सकते हैं, आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। मखाना के ऊपर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो जानते ही हैं कितना बढ़िया चीज है ये, जो मखाना है ये कितना स्वादिष्ट है और कितना अच्छा चीज है। तो इसको तो हम लोग खाते ही हैं शुरू से ही, तो हम लोग तो इसको पूरा का पूरा प्रचारित कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी के को खाने के लिए बिहार का कोई कोई चीज मिला। तो दुनिया में भी जा रहा, बाहर भी जा रहा, लेकिन जिसका ठीक ढंग से होना चाहिए था प्रचार की बिहारे का नहीं हो रहा अभी तक। बहुत लोग यहाँ से दूसरे राज्य में ले लेता है तो बाहर समझ लेता है कहीं और का गया, लेकिन आप तो जानते हैं यहीं पर ना कुछ प्रांतों जिलों में होता है, यहीं सबसे शुरू होता है। कितना बढ़िया है, बनाने की प्रक्रिया भी अद्भुत है, जितना जोर से मारता है उतना। नहीं तो हम लोग घूम घूम करके बहुत पहले ये सब मेरा समझिए कि 6-7 वाला में ही सब करके जब ये खुलवाए दरभंगा में शुरू करवाए। और जब हम थे केंद्र मिनिस्टर थे सदे अटल जी की सरकार में जब हम थे, और उसी समय हम तो आप जानते ही एग्रीकल्चर भी हम देखी रहते कृषि वाला। इन लोगों ने जो पैकिंग किया मिथिला विभूतियों का भी तस्वीर इन्होंने रखी है पैकिंग में, विद्यापति जी का, और लगता है कि इसे तो कुछ बड़ी सर कोई बड़ी योजना है मखाना को और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की। है, हम तो चाहते हैं इतना ज़्यादा हो जाए और मखाना इतना बढ़िया चीज़ है कि सब लोग खाएंगे तो उनको इतना अच्छा लगेगा और उसके बाद सबको मालूम होगा कि देखिए बिहार का एक चीज़ हम सब खाते। तो हम तो चाहते यही हैं। एक बार आप तो जानते ही ना, तो जो हम लोग कर रहे हैं जो अभियान, इसका जो अभियान चला रहे हैं हम लोग कृषि वाला, कृषि रोड मैप उसमें तो ही ना था पहला, तो आप लोगों को तो याद ही होगा जब उसका करते थे मीटिंग तो उसमें बता ही देते थे। तो ये एक इसका हम लोगों का मकसद है कि साहब इसके चलते सब लोगों को मिले और देश भर में जाए जा ही रहा, और अब उत्पादन बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बढ़ा। और उसके लोगों को भी लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर से शुरू करेंगे थी, बहुत कहा गया, बहुत तरह से करी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। क्या कार्यक्रम था, कैसे उन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया है बताया? आज होरनपट्टी मध्य विद्यालय, होरल उत्क्रमित मध्य विद्यालय होरनपट्टी के परिसर में उनका कार्यक्रम था, जिसमें सबसे पहले एक पंचायत लेवल पर पुस्तकालय का भवन का उद्घाटन उन्होंने किया, फिर ट्राई साइकिल बैटरी चालित रिक्शा 6 लोगों का आवेदन स्वीकृत था, उसमें से उन्होंने चाबी दिया। पुनः आंगनबाड़ी केंद्र के जीर्णोद्धार का और उनके बच्चों के लिए जो पोषण गार्डन बना हुआ था उसका निरीक्षण किया गया। पुनः WPU का शिलान्यास एवं जीविका भवन का भी शिलान्यास किया गया। उसके बाद स्टॉल जो एग्रीकल्चर विभाग के लगे हुए थे, जीविका के थे, ICDS के थे, उन सबों का उनके द्वारा अवलोकन किया गया। जल जीवन हरियाली अंतर्गत जो पोखरण सौंदर्यीकरण किया गया था उसका भी उन्होंने देखा, उसको भी उन्होंने देखा। साथ ही लोगों से मिलते हुए फिर विद्यालय भवन में आए, विद्यालय में रंग रोगन एवं बच्चों के लिए गार्डन खेलकूद की व्यवस्था कुछ नई जो की गई थी सबको देखा। थैंक यू जी। बताएं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, क्या क्या देखे सबसे पहले, क्या क्या हुआ? जो उनका निर्धारित कार्यक्रम था उसी के अनुसार उनका कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित पुस्तकालय, इसके बाद आंगनबाड़ी और WPU का शिलान्यास के पश्चात वो जो तालाब के किनारे लोगों से संवाद करते हुए। तो जब निरीक्षण कर रहे थे कैसा लग रहा था, क्या बहुत खुश होकर के गए हैं या क्या? तो ये मतलब चारों तरफ वो घूम करके गए हैं क्या? हाँ नहीं, एक किनारे से जो रूट प्लान था जी, उसी किनारे से लोगों से संवाद करते हुए। क्या नाम सर आपका? अमित कुमार जी। बताएं कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी आए थे क्या क्या हुआ और क्या बताएं? माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम आज फिक्स था, टाइम से आए और टाइम से एकदम सारे चीज़ का उद्घाटन करके
और उनका जो रूट लाइन था वो अपना निरीक्षण करते हुए टाइम से अपने फिर वापस हो गए। तो यहाँ पर क्या क्या तैयार किया गया है, जैसे कि उद्घाटन यहाँ पर देख रहे पुस्तकालय का हुआ है, फिर उद्घाटन ये आंगनबाड़ी का हुआ है, उसके बाद कचरा प्रबंधन का हुआ है, शिलान्यास हुआ है ना, कचरा प्रबंधन है और अन्य अन्य दो तीन और शिलान्यास हुआ है। जी जी, तो ये जो यहाँ पर निर्माण क्या क्या किया गया है, तालाब के किनारे अगर सौंदर्यकरण की बात करें तो क्या क्या सौंदर्यकरण, तो आप देख लीजिए ना, लाइट लगाया गया है, सोलर लाइट लगाया गया है, चारों तरफ दो दो राउंड में पेड़ लगाया गया है, फिवर ब्लॉक का रोड लगाया गया है, बैठने के लिए कुर्सी लगाया गया है। आने के बाद मुखिया जो है यहाँ पर उन्होंने स्वागत सम्मान भी किया है क्या? हाँ हाँ हाँ, उनको स्वागत सम्मान किया गया है जी। स्थानीय कैसा लगा यहाँ पर आए मुख्यमंत्री जी? अच्छा लगा। पंचायत की तरफ से क्या कहेंगे? पंचायत की तरफ से हम बहुत बहुत पूरे पंचायत वासी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो सभी लोगों ने मिल करके और पंचायत की तरफ से उनका भरपूर स्वागत किए और काफ़ी संख्या में लोग जुट करके उनका स्वागत किए, उसके लिए हम पूरे पंचायत वासी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए, मेरा नाम बबलू ठाकुर है। हाँ। मैं श्रीरामपुर पंचायत का मुखिया जी हूँ और नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया थे उनका हायाघाट और रेलपट्टी में मंदिर पर गंगा सागर पोखर पर उनका आगमन हुआ है, जिसमें हम लोग उनका स्वागत करने के लिए और बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा, जो हम लोग के लिए गर्व की बात है, जो मुख्यमंत्री हमारे घर में आकर के गए और मान सम्मान दिए और हम लोग सभी श्रीरामपुर के जनता और मुखिया जी उनको सम्मान देने के लिए आए थे और इसी सम्मान के साथ उनका विदाई भी हम लोग ने किया। क्या क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू ठाकुर, मुखिया श्रीरामपुर आएगा। बहुत अच्छा लगा, आए मुख्यमंत्री जी सबसे मिले, जनता से मिल करके गए, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए थे आप? श्रीरामपुर पंचायत से, उप मुखिया प्रतिनिधि। क्या नाम हुआ? अखिलेश चौधरी। इस वार्ड से आवेदन दिया गया है, जो महादलित लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से मांग किया है, क्या मांग किया है? वो कोई मटर वटर वाला आवेदन था। अच्छा, क्योंकि वार्ड 7 से मुख्यमंत्री जी को दिया गया। अच्छा, मतलब श्रीरामपुर पंचायत। जी जी, तो मतलब मुख्यमंत्री से गुहार लगाया है। जी जी, कि न्याय दिलाइए। जी, बच्चा विकलांग है सर। हाँ। 18 साल का बच्चा। हाँ। तो चौले उले नहीं है। हाँ। बैठले रहो यहाँ बच्चा। हाँ। चौले उठाने आने और बच्चा के लोग रिक्शा पर लोग बच्चा के ऊपर नहीं आवे दिलक नहीं कुछ मिले है। कहाँ से आये? कौन पंचायत से? पासवान से। कौन पंचायत? सहरा पंचायत के। सहरा पंचायत से। हाँ। 18 साल के बच्चा है। हाँ। ओकर आनंदपुर में खरिया पर घर है। नहीं नहीं, दिव्यांग कता है? हाथ पर कि पैर पर कता है? पैर है, बच्चा के खड़ा नहीं हो या। पैर में। हाँ। कहाँ की मांग करे छे? बच्चा के गाड़ी और मिलते रह सर कि। अच्छा। किछ पाटा मिलते पैसा पहिने दै छलखिन अखन देबो न करै छथिन। तऽ अहाँ आस लगा के आयल छलियै तऽ? हाँ। एतऽ के आयल छलै अखन? अखन आयल छलियै ने, ओ कहलखिन वीडियो सब आयल छै। हैं, एलखिन छलखिन? एतऽ के आयल छलै अखन? नेता? नेता मे वीडियो आयल। इहो नहि पता यऽ जे के आयल छलै एतऽ से? न, हम अखन नहि। बिहार के मुख्यमंत्री एतऽ आयल छलै अहाँके नहि पता यऽ? न, नहीं भेटल अखन तक किछो अहाँके? की नाम भेल? हमर भुल्ली देवी। वार्ड? वार्ड गाँव 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 हमारा आनंदपुर है। Thank you.
थोड़ा सा साइड हो जाइए ना, गाड़ी इधर उधर होगा तो। Yeah.